शारीरिक तकलीफ में इलाज को लेकर ज्यादातर मरीज और परिजन परेशान होते देखे जाते हैं। ऐसे हालातों से जूझते हुए 53 साल की हुडको रहवासी लाली देवी बीएमशाह हॉस्पिटल में भर्ती हुई। लाली देवी के पेट में करीब 1.5 सेंटीमीटर की पथरी थी, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से बिना दर्द के ऑपरेशन कर सफलतापूर्वक निकाली गई। शरीर के किसी भी अंग में दर्द का एहसास इंसान के लिए बेहद तकलीफदेह होता है। ऐसी हालत में 53 साल की महिला श्रीमती लाली देवी, जो कि भिलाई के हुडको कॉलोनी की रहने वाली है, उन्होंने कई हॉस्पिटल में पतासाजी करने के बाद फिर रुख किया बीएमशाह हॉस्पिटल का। जी हां, बीएमशाह मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने अपने आप का चेकअप करवाया। दरअसल दर्द से बेरुखी से उन्हें जल्दी इलाज के लिए परेशान होना पड़ा। बेहतर इलाज और बिना दर्द के ऑपरेशन ने लाली देवी को काफी राहत दी है और उन्होंने बीएमशाह के डॉक्टरों के भरोसे को स्वीकार करते हुए हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। इनके पेट में करीब 1.5 सेंटीमीटर की पथरी थी। इस पथरी का ऑपरेशन डॉक्टर राहुल सिंह ने सफलतापूर्वक किया। अपने स्वस्थ होने के बाद लीला देवी की आंखें भरी नजर आई। रुंधे गले से उन्होंने अपने जज्बातों को ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ साझा किया। गॉल ब्लैडर में पत्थर हो गया था मेरे को, मतलब 15 दिन पहले पता चला। तो फिर मैं सोची कि क्या करूँ, कि जो होम्योपैथिक से ये करूँ। फिर ऐसे मतलब बोले कि कोई, मतलब मेरे बड़े जो बुजुर्ग हैं बोले नहीं, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, बीएमसा अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ राहुल सर हैं, उनके पास चली जाएगी, अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा, अभी तो मैं 2 दिन से बहुत अच्छा, मेरे को अच्छा लग रहा है। शुक्रवार को हुआ था ना? हाँ। और जो बजट है, जो खर्चा आया, वो उसमें भी संतुष्ट हैं आप? हाँ, उसमें भी संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा यहाँ, मतलब मिला है मेरे को सुविधा, मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब यहाँ। ठीक। और जब मतलब मालूम हुआ कि इनको पथरी है, तो मैं अभी हम साहब हॉस्पिटल में ले आए इनको, और नई विधि से इनका लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ है। और 3 मतलब पहले तो बता थे ज़्यादा मतलब चीरा लगेगा, लेकिन 3 चीरे पर इनका ऑपरेशन सफल हुआ है, अच्छी है। पहले इनको बहुत घबराहट होती थी, लेकिन डॉक्टर साहब के सजेशन से नॉर्मल हुई और ऑपरेशन। हॉस्पिटल बढ़िया है, साफ सफाई है, देखभाल जो स्टाफ है उनकी मतलब सहयोग बहुत बढ़िया मिला। मेडिकल सिस्टम में इन दिनों नई तकनीक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का चलन है, जिसमें दर्द नहीं होता, सिर्फ 2 या 3 बारीक छेद कर उस हिस्से में जख्म जैसे पथरी हो उसको लेजर द्वारा गला दिया जाता है। मरीज महिला की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर राहुल सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। मरीज लली देवी, जो कि हुडको निवासी हैं, 54 ईयर की हैं, उनको पेट के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। और वो जब मेरे पास आई तो अपनी तकलीफ उन्होंने मुझसे बताई, तो मैंने जांच किया तो मुझे पाया गया कि उनकी पित्ती थैली में 1.4 सेंटीमीटर की एक पथरी थी। तो जिसका कि मैंने उनको सलाह दी कि मैं ऑपरेशन करके इसको निकालूंगा करके, तो बहुत घबराई हुई थी, बोले नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती मैं। तो उनको बताया मैंने कि 1.4 सेंटीमीटर की पथरी नहीं लग निकल सकती और हम उसको दूरबीन पद्धति से निकालेंगे। तो हमने उनको काउंसलिंग किया, वो मान गई, फिर हमने उनका ऑपरेशन किया। तो जो हमने उनका दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन किया, जनरली हम लोग देखते हैं कि जैसे रोबोटिक सर्जरी से हम करते हैं अगर दूरबीन पित्त की थैली का ऑपरेशन, तो वो 5 पेट में 5 छेद करते हैं या होल बनाते हैं, उसके माध्यम से करते हैं रोबोटिक सर्जरी, जो कि आज की डेट में सबसे महंगी सर्जरी मानी जाती है। उसके बाद अगर हम लैप्रोस्कोपिक, जो दूरबीन पद्धति बोलते हैं हिंदी में जिसको, हम उसको भी करते हैं, तो भी उसमें 4 छेद करे जाते हैं पेट में, लेकिन इनका ऑपरेशन हमने सिर्फ 3 छेद से किया, जो कि बहुत थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है करने में, इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने 3 छेद के माध्यम से इसको किया, जिसको हम नीनी लेप्रोस्कोपिक टेक्निक बोलते हैं। और उसके बाद उनका जो इम्प्रूवमेंट आया कि शाम तक पेशेंट जितने भी बार मुझे दिखाने की, कभी मुस्कुरा के बात नहीं की थी, उसने मुस्कुरा के बात की, बहुत खुश हुई और बहुत ही प्रसन्न हुई वो। और उसको इतना ज़्यादा, इतना जल्दी रिलीफ मिला, जो कि मतलब ज़्यादातर और सर्जरीज में इतना अच्छा नहीं मिलता। वहीं अगर हम गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन कर चीरा लगा के करते हैं, तो उसमें तो पेशेंट को 10-12 दिन 15 दिन मतलब ठीक होने में लग जाता है। तो मैं यही सलाह दूंगा बाकी भी लोगों को कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऑपरेशन होते हैं उसको दूरबीन पद्धति से कराने का कोशिश करें, जिससे कि मरीज को बेटर इम्प्रूवमेंट मिले और जल्दी वो अपने काम पे वापस लौट सकें। पथरी होने का क्या कारण हो सकता है? पथरी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे वसा वाली चीज़ें खाना, ऑयली चीज़ें खाना, स्पाइसी चीज़ें खाना। जो लोग भी ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा होती है, जिसके साथ पित्त की थैली की पथरी बनती है, और इसलिए हमें ये सब चीज़ें, तला हुआ चीज़ें, बाहर की चीज़ें जो रहती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए।
एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये जो ऑपरेशन आपने लैप्रोस्कोपी किया है, कितना खर्च आता है? मध्यम वर्गीय परिवार इसको कैसे करा सकता है? ऐसा अगर देखा जाए तो इस ऑपरेशन का खर्चा कहीं के 50,000, कहीं 60,000, कहीं 80-90,000 तक भी खर्चा आता है। लेकिन इस मरीज को हमने 30-35,000 का ही खर्चा बताया था, उसके अंडर में ही हमने उनको प्राइवेट रूम भी दिया था और पूरा खर्चा मिला के इससे ज़्यादा खर्चा उनका नहीं गया। बीएमशाह हॉस्पिटल में इस तरह के पेशेंट आते हैं? बहुत बार आते हैं ऐसे टाइप के मरीज हमारे पास, और हमने कई ऐसे मरीजों का ऑपरेशन जो और जैसे कि जो बोलते हैं कि हमें प्राइवेट रूम नहीं चाहिए, जनरल वार्ड में चाहिए, तो उनका हमने 20-25,000 के 18,000 तक में भी सर्जरी की है। पेशेंट को कब तक के रिलीज कर जा सकते हैं? पेशेंट को डिस्चार्ज तो हमें नेक्स्ट डे ही कर सकते हैं, पर पेशेंट को तो हम नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर सकते थे, पर मरीज को हमने इसलिए रखा था ताकि उस मेंटली पूरा सेटिस्फाइड हो और उनको जैसे हमने नई टेक्निक से किया ऑपरेशन तो कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमने उनको 2 दिन और एक्स्ट्रा रखा और बीच में रविवार भी पड़ गया था, नहीं तो मरीज सेकेंड डे ही घर जा सकता है। जिस पद्धति से आपने इसका ऑपरेशन किया, क्या और भी हॉस्पिटलों में ये सुविधाएँ हैं? दूरबीन पद्धति की सुविधाएं तो और भी हॉस्पिटल में है, लेकिन ये टेक्निक हर कोई सर्जन नहीं अपनाता, ज़्यादातर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सर्जन हो वही लोग जनरली कर पाते हैं। रायपुर में जैसे रामकृष्ण वगैरह में ये सब सर्जरी वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे दुर्ग लाइन में ऐसा जनरली नहीं किया जाता। देखा जाता है कि पथरी का ऑपरेशन होने के बाद फिर वो फिर से पथरी हो जाते हैं, उसमें क्या कहना है? अगर हम पित्त की थैली की पथरी की बात करें तो हम पित्त की थैली की पथरी में पित्त की थैली ही पूरा निकाल देते हैं, और जो आप जिस बोल रहे हैं जो रिकरेंस हो जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं फिर से पथरी बन जाती है, तो ये किडनी की पथरी में होता है, क्योंकि किडनी हम निकाल नहीं सकते, उसमें हम पथरी तोड़ के निकालते हैं और किडनी वही रहती है। तो और हम जैसे जो हमारा खान पान जो रहता है अगर वो वैसे ही रहता है जैसा हम पहले खाते तो वो किडनी की पथरी फिर से बन जाती है, पर पित्त की थैली में हम पित्त की थैली ही पूरा निकाल देते हैं, इसलिए उसमें दोबारा पथरी नहीं बन सकती। ऐसी चिकित्सा सुविधा का लाभ एक परेशान मरीज को समय पर बेहद सीमित राशि में उपलब्ध कराकर बीएमशाह हॉस्पिटल ने अपने नाम व अपने स्थापना के संकल्प को साबित कर दिखाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।